साबिक चेयरमैन सैनी नैयर हुसैन बुखारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल की जा रही है। जानेंगे अदील सरफराज से। जी, इस वक्त हम इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मौजूद है, जहां पर गुज़श्ता रोज़ साबिक चेयरमैन सेनेट सैयद नैयर हुसैन बुखारी और यहां पर मौजूद जो एहलकार थे, सिक्योरिटी एहलकार, उनके दरमियान तलखी हुई थी और तलखी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जिसके बायस जो सैयद नैयर हुसैन बुखारी के ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने धक्का भी दिया और उसके बाद उनके बेटे जो उनके साथ मौजूद थे उन्होंने उस एहलकार को थप्पड़ भी रसीद किया है। और इसकी बुनियादी वजह यही बताई जा रही है और जो फुटेज भी सामने आई है कि जो सिक्योरिटी एहलकार था, स्पेशल ब्रांच का जो एहलकार था, उसने साबिक सेनेटर को रोकने की कोशिश की, उनकी चेकिंग करने की कोशिश किया, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं कर पाए इस बात को और उन्होंने उसको धक्का दे दिया, जिसके बायस जो सिक्योरिटी एहलकारों ने वहाँ पर उनके खिलाफ पर्चा दर्ज करा दिया है। गुज़श्ता रात को जो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन है उन्होंने मुकम्मल तौर पर हड़ताल का ऐलान किया और उनका कहना है कि जो पर्चा दर्ज किया गया है, एफआईआर दर्ज की गई है, ये मुकम्मल तौर पर बदनीयती पर मबनी है हुकूमत की जानिब से। और उनका ये भी कहना है कि साबिक चेयरमैन सेनेट सैयद नैयर हुसैन बुखारी इस्लामाबाद बार के सीनियर मेंबर रह चुके हैं और वो अब भी इस्लामाबाद बार के सीनियर मेंबर हैं। तहम आज अबूरी जमानत के लिए साबिक चेयरमैन सेनेट को पेश होना है। अभी इस बारे में क्या फैसला होता है कि उनकी जमानत होती है या नहीं, यह भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। जी।